आज हम क्लास टेंथ का मैथ करेंगे। इसमें न्यू वे मैथमेटिक्स 2020 का लेवल 1 के सॉल्यूशन हम आज करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं न्यू वे मैथमेटिक्स का लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इज इक्वल टू 14, बी हमें गिवन है। तो ये हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 14 बी। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का एचसीएफ हमने बताना है क्या है। तो ए इज इक्वल टू 14 बी है, तो हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड लेमा, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें रिमाइंडर क्या है, जीरो है, कुछ गिवन नहीं है, तो रिमाइंडर जीरो है। तो रिमाइंडर अगर जीरो है तो ये जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 है। तो बी की वैल्यू, बी हमारा ये क्या है, बी। तो ये हमारा क्या होगा, एच सी एफ। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमारा ये एच सी एफ होता है, क्वेश्चन के साथ जो मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए एच सी एफ इज इक्वल टू हमारा बी होगा, ये हमारा आंसर। तो हमें एच सी एफ ये बताना था, ए और बी का एच सी एफ क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स 847 और 2160 आर को प्राइम और नोट। तो हमें ये बताना है कि को प्राइम है या नहीं है। तो अगर इनका एच सी एफ 1 आता है तो ये को प्राइम होंगे, अगर एच सी एफ 1 नहीं आता तो ये को प्राइम नहीं है। तो चेक करते हैं, हमें नंबर गिवन है 847 और 2160, ये नंबर हमें गिवन है। तो हमें ये हमारा क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो 2160 को 847 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2 जा पे जाएगा, 3 जा पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 जा 14, 24 जा 8 और 1 9 और 28 जा 16। तो सबट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 10 में से 4 गया 6 और ये 5 बचे, 15 में से 9 गए 6, तो ये 10 बचे, 10 में 6 गया 4, तो 466। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या था, 2160 इज इक्वल टू, तो इसकी ये कोशेंट और इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो ये हमारा 460, ये रिमाइंडर है, ये 847 सॉरी 847 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए हमारा ये है, ये हमारा क्या है ए, और ये हमारा क्या है बी। तो 847 मल्टीप्लाई 2 प्लस में रिमाइंडर 466, तो अब 466 है, 847 को नीचे लेके आएंगे 847, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 847। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 466, तो ये वन जा पे ही जाएगा 466, तो हमारा क्या बचा, 7 में 6 गए 1 और 14 में से 6 गया 8 और ये 7 बचे, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 466 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 381 है। अब 381 को से डिवाइड करेंगे इसको 466, तो ये किस पे, वन जा पे जाएगा 381, तो ये 466 को डिवाइड किया तो यहाँ हम लिखेंगे
466 इज इक्वल टू, रिमाइंडर देखते हैं, 6 में से 1 गया 4 और 16 में से 8 गया 8, तो 85, तो ये हमारा आया 381 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 85। तो अब हमारे पास क्या बचा, 85, तो इसको 381 को नीचे लेके आएंगे 381, तो ये हमारा जाएगा 4 जा पे, तो 4 5 जा 20 और 2 4 8 जा 32 और 2 34, ये हमारा 4, तो ये हमारा बच्चा इसमें 1 में से 0 गया 1, 8 में से 4 गया 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 381 इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई फोर प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 41। अब यहाँ स्पेस कम है, ये यहाँ 85 यहाँ लिख लेते हैं 85, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 41 से, तो ये किस पे जाएगा 2 जा पे, तो 41 2 जा 82, क्या बचा 5 में से 2 गया 3, तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 85 इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 3, तो अब 3 नीचे 4 है, डिवाइड करेंगे इसको 3 1 जा 3, 1 बचा, तो ये 4 है, 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 into 1 प्लस में रिमाइंडर हमारा 1 है। अब 1 है, इसको 3 को नीचे लेके आएंगे 3, तो 1 3 जा 3, रिमाइंडर 0, तो ये हमारा 3 है, तो 3 इज इक्वल टू ये हमारा 1 into 3 प्लस में 0, तो ये हमारा आया, ये यहाँ 41 था, ये गलत कर दिया इसमें हमने, 41 था, ये 41 नीचे उतारा है, तो ये हमारा 13 पे जाएगा 39, और ये हमारे बचेंगे 39, ये हमारे 2, और ये 2 1 जा 2 जाएगा, अभी रिमाइंडर नहीं आएगा, ये हमारा बचा 1, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 2 जा 2, अब रिमाइंडर 0 आएगा हमारा, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे हमारा था 85 तक ये टिक था, यहाँ पे हमने इसको 41 है, तो 13 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2, और ये हमारा 3 बचा, तो 2 into 1, तो ये हमारा 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू ये 2 बचा यहाँ पर हमारा, तो 2 into 1 प्लस में 0, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो HCF हमारा यहाँ क्या आया, ये HCF इक्वल टू 1, तो HCF 1 आया, तो ये क्या है, नंबर्स आर को प्राइम, तो हम लिखेंगे hence numbers are co-prime, अगर दो नंबर का HCF 1 आता है तो वो नंबर क्या होंगे, co-prime, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमारा 2 into 1 प्लस यहाँ पे भी 1 है, 0 नहीं है ये, 1 2 into 1 plus 1, तो ये co-prime नंबर है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने बताना ट्रू है या फॉल्स है, और 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जैसे लगाता है, जैसे n है तो दूसरा क्या होगा n+1, तीसरा क्या होगा n+2, तो करते हैं इसको,
तो थ्री कंजुकेटिव इंटीजर लेते हैं, एन, सेकेंड हो गया एन प्लस वन और थर्ड हो गया एन प्लस टू। तो हमारा अगर हम इसमें टू एन की वैल्यू, इसमें हमने वन ले ली, एन की वैल्यू वन ली, तो ये क्या हो जाएगा वन, और यहाँ क्या हो जाएगा टू, और यहाँ क्या हो जाएगा थ्री। तो ये सेकंड वाला टू को डिवाइड कर रहा है, ये थर्ड थ्री को डिवाइड कर रहा है थर्ड नंबर, तो ये टू थ्री जा सिक्स, तो ये सिक्स को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही अगर हम एन की वैल्यू टू लेते हैं तो टू, तो ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और ये हमारा ये आ जाएगा टू प्लस टू फोर, तो ये मल्टीप्लाई करके सिक्स आया। अगर इसको करते हैं तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, तो ये भी सिक्स को डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्स को डिवाइड करेगा। तो सो ये हमारा क्या होगा, यस द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया बस, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इच डिविजिबल बाई बाई सिक्स, तो ये सिक्स से डिवाइड करेगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का पेयर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78। तो एलसीएम क्या है, 78 है, एंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर इज 13, और ग्रेटेस्ट डिवाइजर हमारा क्या है 13 है। तो हमें बताना है इसमें कि हमारे जो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो क्या होंगे। तो हमें एलसीएम दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट डिवाइजर दिया हुआ है, तो इसको करते हैं। तो हमने मान लिया इसको नंबर, लेट लेट नंबर्स 13x एंड 13y, क्योंकि इसने क्या कहा ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या है 13, तो हमने नंबर मान लिए 13x और 13y, और x और y क्या होंगे, x y आर को प्राइम, एक्स वाई को प्राइम, क्योंकि ग्रेटेस्ट मानना है तो एक्स वाई क्या होंगे को प्राइम। अब हमें एलसीएम दिया हुआ है, तो ये 13 और इंटू एक्स इंटू वाई क्या होगा 78, तो ये 78 हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई इक्वल टू 78 बाई 13, तो एक्स वाई की वैल्यू 13 सिक्स जा 78, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी 6 होगी, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, अगर एक्स वाई 6 है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो सकती है, ये एक्स की वैल्यू 1 या वाई की वैल्यू 6, और एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3, तो एक्स की 1 और वाई 6, तो हमारा पेयर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स और 78 एंड
13 या 26 एंड 39। तो ये अगर हमारा एक नंबर 13 होगा तो 78 एंड 13 ये पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएंगे, एक 26 है 39। तो ये हमने, ये 13 था ये हमारा, तो ये 36 जा 78 और 31 जा 13 और ऐसे ही 32 जा 26 और 33 जा 39, ये हमारे आंसर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, देर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इन टू इक्वल सेक्शन, इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है, ऑफ आइदर बॉय और गर्ल अलोन, और लड़के और लड़कियां अकेली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन थस फॉर्म। तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बनाएंगे कि ये डिवाइड हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम दोनों के फैक्टर बनाएंगे। दोनों को फैक्टर बनने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालने के बाद उस HCF से उसको डिवाइड करेंगे, बॉयज HCF से बॉयज को डिवाइड कर देंगे और गर्ल्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ सेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि हमने अलग अलग इक्वल सेक्शन बनाने हैं और बॉयज के और गर्ल्स के अकेले। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हमारा ये है 576 और 448। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 576 और 448। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 576 का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, 28 जा 16, 28 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 21 जा 24 जा 24 जा, 27 जा 22 जा, फिर 2 पे जाएगा, 23 जा 26 जा, फिर 2 पे, तो ये हमारा 18 पे जाएगा, फिर 2 पे, ये हमारा 9 पे, फिर 3 पे, ये हमारा 3 पे, फिर 3 पे, फिर 1 के। तो 576 हमारे क्या थे, ये बॉयज थे, तो इसको हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हम 448 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा 2, 22 जा 22 जा 24 जा, फिर 2 पे, 21 जा 22 जा, फिर 2 पे, 25 जा 26 जा, फिर 2 पे, 22 जा 28 जा, फिर 2 पे, ये 14 पे, फिर 27 जा, फिर 7 पे 1। तो अब 576 में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और फिर क्या है, 2 बार 3 आया, तो 3 into 3। ऐसे ही 448 को 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 6 बार 2 लिखेंगे और फिर क्या है, 7। तो ये हमारा, अब ये तो हमारा HCF क्या होगा, एक पेयर ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो हमारा HCF होगा HCF इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 64 हमारा क्या हुआ, HCF। तो अब नंबर ऑफ सेक्शन बताने हमने, नंबर ऑफ सेक्शन, तो हमारे बॉयज क्या थे, 576 को
64 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में टोटल सेक्शन बताने हैं तो गल्च के हैं 448, इसको डिवाइड कर देंगे 64 से, तो इसको 64 से डिवाइड करेंगे तो ये 64 को 576 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 पे जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9, और 448 को 64 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 पे कटेगा, प्लस में 7, तो 9 प्लस 7 क्या होंगे 16, तो टोटल सेक्शन हमारे क्या होंगे 16 सेक्शन बनेंगे, तो ये हमारा आंसर है। यही बताना था कि अलग अलग कितने सेक्शन होंगे, तो ये बॉयज के 9 होंगे और 7 गर्ल्स के होंगे, टोटल हमारे सेक्शन क्या होंगे 16। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।